छोटे से गांव में रहने वाले दो परिवारों की अनोखी कहानी है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर परिवार का बेटा रोहन था और गरीब परिवार की बेटी सीमा। रोहन के पास एक बड़ी हवेली थी। उसके माता पिता मिस्टर और मिसेस वर्मा शहर के बड़े उद्योगपति हैं। रोहन अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा है, तभी रोहन की माँ शांति वर्मा वहाँ पर आती है और रोहन से कहती है, रोहन क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी मैं बस कुछ पढ़ाई कर रहा था। बहुत अच्छे बेटा, पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ मम्मी, मुझे पता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, तभी मैं पढ़ाई कर रहा था। वैसे मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो, कोई काम था क्या आपको? नहीं बेटा, मैं तो बस यहाँ तुझे देखने आई थी। वैसे तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? कोई बुक या कॉपी सब है ना तुम्हारे पास? और मैं तुम्हारे लिए एक नए ट्यूशन टीचर से बात करके आई हूँ। ट्यूशन टीचर की क्या जरूरत है मम्मी, मम्मी मैं खुद सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। और कोई टीचर अगर आएंगे तो मैं उनके हिसाब से थॉट सोचने लगूंगा, ना कि अपने हिसाब से। मम्मी मैं सेल्फ स्टडी करके ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, आप उनको मना कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई टीचर। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने ही कहा था कि ट्यूशन टीचर लेना सही नहीं, हमें पहले सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। लेकिन जब हम तुम्हारे लिए ट्यूशन टीचर अफोर्ड कर सकते हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम क्यों ना करें? अरे तुम खुद बताओ ना, तुम्हें जितनी भी दिक्कत प्रॉब्लम्स होती होंगी, अगर वो ट्यूशन टीचर आएगा तो वो तुम्हें बता देगा। और यही अगर तुम स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर टीचर हर एक बच्चे पर पूरा पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए मुझे ये लगा कि तुम्हें ट्यूशन टीचर की जरूरत है। नहीं मम्मी, मुझे टीचर की जरूरत नहीं है। आपने जिससे भी बात की ना, प्लीज जाके मना कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। अगर कोई ट्यूशन टीचर आके मुझे पढ़ाएंगे तो मैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ना चाहता मम्मी, मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। मुझे नहीं पढ़ना है किस चीज से, आप मना कर दीजिए। बेटा मैंने उन्हें बोल दिया है, और दो चार दिन बाद वो फ्री होकर आने ही वाली है। एक बार वो घर पर आ जाए तुम उनसे पढ़ लो, अगर तुम्हें उनका पढ़ाना सही नहीं लगा तो तुम मना कर देना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जब तक तुम एक बार ट्राई भी नहीं करोगे, तुम मेरे लिए ही मान जाओ और ट्यूशन टीचर से एक बार ट्यूशन तो पढ़ ही लो, देखो वो कैसा पढ़ाती है, फिर मुझे बताना। अच्छा ठीक है मम्मी, अगर आपने उनसे बात की हुई है ना तो मैं पढ़ लूंगा उनसे, क्योंकि आप तो जानती हो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, और आपकी बात का डिसरिस्पेक्ट मैं कर नहीं सकता। अब वो आएंगे ना तो मैं उनसे पढ़ लूंगा, क्लास ले लूंगा, और अगर उनकी पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आई या अच्छी नहीं लगी तो मैं साफ साफ मना कर दूंगा। फिर आप मुझे मत कहना कि मैंने जानबूझ के मना किया है, और फिर आप मुझे उनसे पढ़ने के लिए मत कहना, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जब तुम मेरे लिए इतना कर ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारी बात को मना नहीं करूंगी, तुम्हें अगर ठीक नहीं लगेगा तो तुम मना कर देना, ओके बेटा? यहाँ रोहन को किसी भी चीज की जरा भी कमी नहीं थी, और वहीं सीमा एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सीमा के माता पिता रामू और गोमती खेतों में काम करते थे। सीमा अपने माता पिता की मदद कर रही है। बेटा इतनी धूप हो रही है, तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हम यहाँ काम करते रहते हैं धूप में, तू घर पर आराम कर लेती। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप, यहाँ आप काम कर रही हो तो मैं घर में आराम कैसे कर सकती हूँ? मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आई हूँ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अच्छा ठीक है सीमा बेटी, जरा ये पानी भर ला। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। रोहन और सीमा एक स्कूल में पढ़ते थे और काफी अच्छे दोस्त भी। सीमा रोहन से बात करते हुए कहती है, रोहन तुम्हारे साथ पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ सीमा, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा साथ होता है ना तो मेहनत अच्छे से होती है, क्योंकि तुम भी बहुत मेहनती हो। गांव में मेला लग रहा था जिसकी तैयारी में सारा गांव जुटा हुआ था। रोहन सीमा से मिलने मेले में आता है, दोनों बहुत ही खुश थे, साथ में समय बिताते हैं और झूला झूलते हैं, साथ में खेलते हैं और खाने का मजा लेते हैं। रोहन ये मेला कितना मजेदार है ना? हाँ सीमा, तुम्हारे साथ ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सीमा मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या रोहन? सीमा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहन मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रोहन और सीमा के प्यार की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और समाज में तरह तरह की बातें होने लगती हैं, जिससे दोनों परिवारों में तनाव बढ़ जाता है। रोहन ये सब क्या सुन रही हूँ मैं, तुम उस गरीब लड़की से प्यार करते हो, तुम्हें पता है ना वो लड़की हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, और तुम उस लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम अपने सर से ये प्यार का भूत उतार दो, ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, अमीर लड़का देखते हैं और चिपक जाते हैं। हाँ मम्मी मैं सीमा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, वैसी लड़की ना कहीं और नहीं मिलेगी मम्मी,
मुझे उसे शादी करनी है मम्मी, मेरी शादी करवा दो उससे। ये नहीं हो सकता, तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। सीमा के परिवार को भी समाज का सामना करना पड़ता है, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सीमा ये क्या सुन रही हूँ मैं, तू उस अमीर लड़के से प्यार करती है? तुझे पता है ना अमीर लड़के कैसे होते हैं और गांव में तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें बन रही है। तुझे क्या हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? इतनी मेहनत करते हैं हम किसके लिए, बस तेरे लिए ही तो करते हैं ना, और तू है कि प्यार कर रही है। अरे हमारे बारे में भी जरा सोच लेती। देख सीमा, तूने अब तक जो किया मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन तू उस लड़के को भूल जा, उसके साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है। हाँ माँ आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, तेरी शादी इस लड़के से कभी नहीं होगी। ये लड़के ऐसे ही होते हैं, शुरू में तो बोल रहे हैं कि शादी करूँगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए तू अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तेरे पिताजी से कह दूंगी कि अब तेरे लिए लड़का देखना शुरू करे। रोहन और सीमा समाज और परिवार के खिलाफ लड़ने का निर्णय लेते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके इस प्यार और संघर्ष को देखकर राम और गोमती का दिल पिघल जाता है, वो लोग भी अब उनका समर्थन करने लगते हैं। गांव के कुछ लोग भी रोहन और सीमा के प्यार की कदर करते थे और उनका समर्थन भी करते थे, वो परिवारों को समझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार रोहन और सीमा के परिवार और समाज उनके शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू होती है। रोहन मैं तुम्हारे प्यार को समझ गई हूँ, तुम दोनों की शादी होनी चाहिए। सच में आप लोग हमारी शादी करवाना चाहते हैं? सीमा तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमारे प्यार को समझा और हमारे प्यार को स्वीकार किया, हम दोनों आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तुम दोनों ने भी काफी ज्यादा कठिनाई झेली है और उन सभी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी, दोनों लगातार कोशिश करते रहे कि हम मान जाए, यहाँ तक के अपने प्यार को भी झुकने नहीं दिया। यही सब बातें तुम्हारे हम सभी लोगों को पसंद आ गई। अगर तुम दोनों हार मान लेते तो शायद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता, लेकिन तुम दोनों ही हार नहीं माने जिस वजह से हम सबको झुकना पड़ा तुम्हारे आगे, और अब इसीलिए अब तुम दोनों हमेशा साथ हो जाओ और हम लोग तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाने के लिए मान गए हैं। शादी का दिन आता है, पूरा गांव सजता है, रोहन और सीमा की शादी धूमधाम से होती है। सीमा अब से तुम हमारी बहू हो, हमें तुम पर गर्व है। रोहन तुमने हमारी बेटी को खुश रखा तो हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। शादी के बाद रोहन और सीमा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और दोनों साथ में खुश रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। रोहन मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। सीमा मैं भी, हमारा प्यार ना हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। सीमा हमें समाज के अंदर ना बदलाव लाना होगा ताकि किसी और को हमारी तरह संघर्ष ना करना पड़े। हाँ रोहन हम मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाएंगे। और इस तरह अमीर और गरीब की आशिकी आखिर जीत ही जाती है और दोनों खुश रहते हैं। सरला सुबह सुबह ही सब्जी काटते हुए अपनी बहू चमेली से कहती है, बहू तुझे मैं कह देती हूँ, आज के बाद तुझे अपना आलस छोड़ना होगा क्योंकि नेहा घर आ रही है और वो जितने दिन रहेगी तुझे उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। माँ जी उसकी टेंशन ना ले आप, मुझे भी तो इस बात की खुशी है कि मैं मामी बनने वाली हूँ, लेकिन ननद जी कब तक आएंगी? शाम तक आएगी वो, और हाँ वो यहाँ आराम मिल सके इसलिए आ रही है, तेरे घर काम करने नहीं आ रही है, इसीलिए फिर दोहरा रही हूँ कि तू अपना ये लेट लपेट उठना छोड़ दे और ज्यादा टीवी मत देख। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ननद जी को कोई काम नहीं करने दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ पुण्य तो जरूर मिलेगा क्योंकि नेहा तेरी छोटी बहन जैसी है। अब देर शाम सरला की बेटी और चमेली की ननद नेहा का आना होता है। नेहा भी 4 महीने की पेट से थी और वो आते ही अपनी माँ सरला को कहती है, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, बस अब आराम करना चाहती हूँ। अरे तुझे काम ही कहाँ करना है, तू तो बस आराम कर, सारा काम तो बहू कर लेगी। बहू तू अब खड़ी क्यों है, जा जाकर सामान लेकर आ। कितना अच्छा घर में शांति बनी हुई थी, लेकिन नहीं माँ जी को तो मुझे नौकर बनाना था। बहू जा एक गिलास दूध गर्मा गर्म लेकर आ और जो नेहा को पसंद है खाने में वो लेकर आई हो और वही बनाई हो। माँ जी अभी ननद जी को आयो तो आधा घंटे भी नहीं हुआ है, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दीजिए। हाँ हाँ नेहा तो थोड़ा आराम कर ले,
और तुझे अगर किसी भी चीज की दिक्कत हो तो चमेली को आवाज दे दियो। चमेली तो आलसी थी ही, चमेली भी अपनी सास के बाहर निकलने के बाद सो जाती। अब इधर जब नेहा अपनी भाभी को आवाज ही लगाती है तो चमेली का कोई जवाब नहीं आता। अब ऐसी हालत में नेहा किचन में पहुंचती है। भाभी भी काम करके थक जाती है, कोई बात नहीं मैं ही चाय बना देती हूँ। चमेली हॉल में सो रही होती है कि वहीं नेहा किचन में चाय बना रही होती है, और चाय बनाते हुए नेहा को पता नहीं चलता कि नेहा की साड़ी के पल्लू में आग लग गई है। आग लगी ही थी कि तभी सरला और विमला का बाजार से घर आना होता है। अरे नेहा ये क्या हो गया, विमला जल्दी से कपड़ा लेकर आ और आग बुझा, ये क्या हो गया है? अरे तू एक जगह खड़ी रह, कुछ नहीं होगा। अरे क्या कर रही है सरला, अपना हाथ मत जला लियो। माँ मैंने तो देखा ही नहीं, अगर आज आप सही समय पर नहीं आती तो मैं जल ही जाती। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू किचन में आई ही क्यों, और चमेली कहाँ है? बहू ओ बहू कहाँ है तू? माँ वो सोई है, तभी मैं किचन में चाय बनाने के लिए आई। वो भी थक गई होंगी सुबह से काम करके। कौन सा काम किया है उसने सुबह से? अरे वो तो तेरे आने पर थोड़ा बहुत हाथ पर हिला भी रही है, वरना एक नंबर की आलसी है वो। अरे तो भी माँ इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। अब सरला अपनी बहू को उठाती है जो कि सोफे पर पड़ी हुई खर्राटे ले रही थी, और चमेली भी हड़बड़ाते हुए उठती है। कौन, क्या हुआ? चोर, चोर? माँ जी आप मुझे घूर क्यों रही हैं? चोर को पकड़िए ना। कहीं कोई चोर नहीं है बहू। हो गया है तेरा आलस पूरा या अभी भी सोना बाकी है? शर्म तो तूने बेच खाई है, ना तुझसे कोई काम होता है ना तुझसे खाना ढंग से बनता है। बस एक काम तुझे दिया था कि नेहा का अच्छे से ध्यान रखियो, तुझसे वो भी नहीं हुआ। माँ जी ननद जी बच्ची थोड़ी है। हाँ आपने कहा था मुझे उन दोनों का ख्याल रखना है। हाँ तो तुझे पता है कि अभी कितना बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन टल गया। क्यों क्या हुआ? विमला काकी ट्रक के आगे आ गई थी क्या? आप बिना विमला काकी, ट्रक वाला भी सोच रहा होगा ट्रक के आगे ट्रक कहाँ से आ गया, अब मैं अपने आप को बचाऊँ इस ट्रक को। सरला तू देख रही है ना अपनी बहू को, इसका दिमाग काम से ज्यादा फालतू बातों में चलता है। अब उठ भी जा, यहाँ तेरे सामने तेरी सास पड़ोसन नंद सब लोग खड़े हैं, जितना सोती है उतना ही खाती भी है। अब जा जाकर काम कर ले और नेहा के लिए कुछ अच्छा बना दे। अब चमेली भी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और नेहा भी अपने कमरे में। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन दो दिन बाद चमेली सीढ़ियों पर पोंछा लगा रही होती है, तभी उसे कोई दूसरा काम याद आता है और वो पोंछा और बाल्टी को वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी सरला अपनी बहू के कमरे में आ रही होती है और वो फिसलकर सीधे नीचे जाती है। हाय ये मेरी कमर टूट गई, ये औरत अपने आलस के चक्कर में किसी दिन मुझे यमलोक पहुंचा के रहेगी। अरे बहू कहाँ मर गई तू? अरे मेरी कमर टूट गई। माँ जी मैं पोछा लगा रही थी, आप ही देखकर नहीं चलती हो, फिर मैं कोई दूसरा काम करने लगी। बस मुंह देखती रहेगी या उठाएगी भी मुझे? भाभी अभी क्या जरूरत थी पोछा और बाल्टी को सीढ़ियों पर रखने की? माँ आप ठीक तो हैं? उठिए ध्यान से, आइए सोफे पर बैठिए। बहू ये सब तेरे आलस का नतीजा है, अभी तुझे अपनी बहन से क्या बात करनी थी जो तू ये काम छोड़ कर गई? ये सब तेरी आलस की वजह से हुआ है। नेहा तो ये सब देखकर परेशान थी, और वो जब से आई थी तब से अपनी भाभी के आलसपनी को देख ही रही थी, बल्कि वो डर भी रही थी कहीं उसकी भाभी को कोई काम बोल जाए और वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उसे लेने के देने पड़ जाए, और इस वजह से नेहा खुद ही अपने काम करने में लगी थी। अरे नेहा तू क्यों यहाँ आई, मुझे कह देती मैं तुझे खाना निकाल कर दे देती तेरे कमरे में। नहीं माँ मैं पूरे दिन बैठे बैठे भी थक जाती हूँ, अब क्या करूँ, थोड़ा इसी बहाने चलना भी हो जाता है। हाँ नेहा थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए ना, वरना बैठे बैठे तो आप आलसी हो जाओगी और बच्चे पे भी असर पड़ेगा। हाँ भाभी इसीलिए भी मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ। तुझसे तो कम ही आलस है पूरे घर में, जहाँ जाती है वहीं रह जाती है, बाथरूम में जाएगी तो वहाँ सो जाएगी, चाय बनाने जाएगी तो किचन में झपकी ले लेगी, तुझे शर्म तो कुछ रह ही नहीं गई है। अरे माँ जाने दो, आप हर वक्त उन्हें आलसी आलसी कहकर आलसी ही बना रही हो और कुछ नहीं। सरला भी अपनी बहू के आलस पने से काफी परेशान थी, लेकिन नेहा भी प्रेगनेंसी की हालत में चल फिर अपना काम कर ही लेती थी। एक रोज सरला विमला के घर गई होती है, चमेली काम करते करते सोफे पर टीवी देखते हुए अपनी आंखें बंद किए बैठी होती है, तभी सरला के घर का दरवाजा खुला देख एक बहरूपिया साधु के भेष में सरला के घर में घुस जाता है। कोई आ गया है लेकिन कौन था? भाभी तो सोफे पर सोई है, काम छोड़कर माँ यहाँ है, तो कौन गया है वहाँ से?
कुछ देर बाद ही नेहा जब अपनी माँ के कमरे में जाती है, वो चोर नेहा के गले पर चाकू रख देता है और नेहा डर से चिल्लाने लगती है, भाभी बचाओ मुझे, भाभी, माँ, माँ। कौन? अरे तुम कौन हो? ननद जी कौन है ये? घर में कैसे घुसा? कहीं ये गेट खुला तो नहीं था और फिर कहीं कोई घुस गया हो? चिल्लाने की कोशिश मत कर दियो, मैं अगला कर दूंगा इसका, समझी क्या? अरे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए? इधर विमला उस चोर को सरला के घर में जाता देख लेती है और जब सरला और विमला वहाँ जाते हैं तो सरला भी अपनी बेटी की गर्दन पर चाकू रखा देखकर काफी डर जाती है। तुम्हें जो चाहिए सब ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करो, ये कान का, गले का, अंगूठी सब ले जाओ। हाँ हाँ, नेहा को छोड़ दो माँ जी, ये सब मेरे आलसपन के कारण हुआ है, मैं ही दरवाजा खोल कर सो गई थी, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। चोर अभी नेहा के गले पर चाकू रखे हुआ था और ये देख सरला चोर के हाथ पर टेबल पर रखा फूलदान मार देती है, जिससे उसके हाथ से चाकू छूट जाता है और विमला और सरला और चमेली मिलकर उसकी अच्छे से पहले कुटाई करते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहीं चमेली को भी अपने आलस बने से काफी सीख मिलती है। माँ जी, मैं अपनी प्रेग्नेंट ननद की देखभाल ढंग से नहीं कर पाई और ये सब मेरे आलसपन के कारण हुआ है, मैं कितनी बुरी हूँ, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा आलस कभी नहीं करूँगी। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अकल तो आई तुझे। और उस दिन के बाद चमेली अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती है और अपने आलसपन को भी खत्म कर देती है। कुछ महीनों बाद ही नेहा को एक खूबसूरत सी बेटी होती है और सरला भी बहुत खुश थी कि वो अब नानी बन गई है। शाम का समय था, चंदा किचन में खाना बना रही होती है, वहीं केशव ऑफिस से आते ही जानकी को कहता है, अरे माँ देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। मैं लाया हूँ आपकी पसंदीदा मटका कुल्फी, जल्दी से खा लो वरना पिघल जाएगी। अरे क्या बात है, ला दे, मैं काफी देर से सोच ही रही थी कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। अरे चंदा तुम वहाँ क्या कर रही हो, जल्दी यहाँ आओ, कुल्फी खाओ, पिघल जाएगी यार, काम तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ हाँ बहू, तू भी खा ले, आ जा। कुल्फी वैसे है तो बहुत ही स्वादिष्ट, वैसे इस कुल्फी को बनाते कैसे होंगे? अगर मुझे बनाना आता होता तो मैं इसकी दुकान लगा लेती। अब जैसे ही चंदा उस कुल्फी को खाती है तो चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी ये तो मैं भी बना लेती हूँ, इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और मैं तो इससे अच्छा और अलग अलग फ्लेवर वाली कुल्फी बनाना जानती हूँ, क्योंकि मेरे मामा की कुल्फी की जो दुकान थी। अच्छा है, अब तो मुझे गर्मियों में कुल्फी के पीछे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अब तो घर पे बन जाएगा और हम आराम से खाएंगे बैठ के। हाँ बहू, केशव बिल्कुल सही कह रहा है, जब तुझे कुल्फी बनानी आती ही है तो घर में बनी हुई कुल्फी खाने में क्या बुराई है। ये बात चल ही रही होती है कि तभी जानकी की पड़ोसन रज्जो का आना होता है। क्या बात है, आज तो सब एक साथ, लगता है किसी बात को लेकर चर्चा चल रही है, कहीं मैं गलत समय पे तो नहीं आ गई? अरे कुछ खास नहीं, बस कुल्फी को लेकर बात चल रही थी। वैसे तू किस काम से आई है ये बता। बस मैं तो तुमसे मिलने चली आई, सोचा जरा जानकी से मिलाऊं, देखूं कैसी है जानकी, कई दिनों से दिखी नहीं है। अरे कहाँ ही जाऊं, घर में ही आराम कर लेती हूं, लेकिन आज शाम में बाजार चलेंगे। हाँ मैं भी वही कहने आई थी, चल ठीक है शाम को आती हूँ, तू अपना ध्यान रख। ऐसे ही एक रोज केशव घर आता है और उदास होता है, जानकी अपने बेटे को उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है, कोई बात है क्या? कुछ नहीं हुआ माँ, बस एक गिलास पानी पिला दो, सर में बहुत दर्द है, फटा जा रहा है सर। हाँ मैं अभी मंगवाती हूँ बहू से, केशव के लिए एक गिलास पानी ले आना बहू। केशव भी पानी पीने के बाद ही अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। ये देखकर जानकी को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो केशव से कुछ नहीं कहती और उसे सोने देती है। बहू केशव ठीक तो है ना, रात में उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था और ना ही वो टीवी देखने के लिए आया था, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, मैंने भी उन्हें उदास देखा तो बहुत पूछा, तब उन्होंने कहा कि ऑफिस की टेंशन है, उनके बॉस ने कहा है कि एक महीने लेट नाइट तक काम करना है उतनी चिंदी सी सैलरी पर। अरे ऐसे में तो वो बहुत थक जाएगा और परेशान भी हो जाएगा, बोल दे कि काम छोड़ दे, कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाएगा, जब मेरा बच्चा ही ठीक नहीं रहेगा तो ऐसे पैसे का मैं क्या ही करूँगी। अब देर शाम जब केशव आता है तो जानकी अपने बेटे को गले लगा कर कहती है, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से बातें छुपाने लगा है, कल से तू काम पर नहीं जाएगा, क्योंकि अब से हम सास बहू मिलकर कुछ धमाल करने वाले हैं। ऐसा क्या करने वाले हो आप लोग?
देखो माँ, काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन माँ, आप लोग क्या काम करोगे और क्यों करोगे? मैं तो हूँ ना। हम तो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तुझे क्या लगता है हम कुछ नहीं कर सकते क्या? केशव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो घर की हालातों को देखकर अपना काम नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन अगले ही दिन पार्क के सामने एक रेडी लगी होती है जिस पर लिखा था सास बहू की स्पेशल मलाई मटका कुल्फी। आजकल मुझे हर जगह ही जानकी क्यों दिखती है। जानकी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब तो उस मटका कुल्फी की रेड़ी पर चंदा भी है। ये दोनों सास बहू मेरी आँखों का भ्रम तो नहीं है? सच में दोनों ने मटका कुल्फी की दुकान लगा ली है। इतना बोलकर जैसे ही रज्जो उस रेड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि उस रेड़ी पर सचमुच जानकी और उसकी बहू चंदा होती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? जानकी तूने ये मटका कुल्फी की दुकान लगाई है? हाँ मैंने ही मटका कुल्फी की दुकान लगाई है। लेकिन तुझे किस चीज की कमी होने लगी जो तुम सास बहू ने कुल्फी की दुकान लगा ली? अरे काकी, कमी तो भगवान के दुआ से सच में नहीं है, लेकिन ये रेडी मैंने अपने हाथों के बने कुल्फी के टेस्ट को लोगों तक पहुँचाने के लिए खोली है। अच्छा ऐसा क्या? ला मुझे भी चखा दे, मैं भी तो देखूं बहू के हाथों की कुल्फी कैसी है। हाँ हाँ काकी, ये लो और खाकर बताओ कि मटका कुल्फी कैसी बनी है। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो जी जान ही लगा दी है। अब रज्जो जैसे ही कुल्फी खाती है तो उसे कुल्फी का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो कुल्फी खाते हुए चंदा की तारीफ करते हुए कहती है, अरे बहू क्या कुल्फी बनाई है, खाकर तो मजा ही आ गया। सच में जानकी तेरी बहू के हाथों में तो जादू है जादू। हाँ वो तो है, लेकिन रज्जो आज तो मेरी बहू ने तुझे चखाने के लिए कुल्फी खिला दी, लेकिन अगली बार जब तू ये कुल्फी खाने आएगी ना तो पैसे लेकर आइयो। यहाँ आगे बोर्ड पर लिखा है 15 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, सबके रेट हैं। उस हिसाब से तू पैसे लेकर आइयो और कुल्फी खाकर जाइयो। तू तो मुझे अभी से ये दिखा रही है कि मुझे तेरी दुकान पे आने के लिए पैसे लेकर आने पड़ेंगे। हाँ क्योंकि इसमें पैसे तो लगे ही है ना। चल अब जा यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत कर, मुझे बहुत काम है। रज्जो को जब जानकी ये बोलती है तो रज्जो को जानकी की बातें बुरी लग जाती है, लेकिन वो उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके मन में जानकी और उसकी बहू के मटका कुल्फी को लेकर नफरत आने लगती है। जानकी तो ज्यादा ही तरह रही है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। अरे मैं कितना ही खा लेती, एक ही कुल्फी तो खाती, वो भी इससे निकल नहीं रही है और इतरा तो ऐसे रही है जैसे करोड़पति बन गई हो। अब अगले ही दिन देर शाम जब जानकी और चंदा अपना मटका कुल्फी की दुकान लगाते हैं तो रज्जो वहाँ पैसे लेकर कुल्फी खाने पहुँचती है और मटका कुल्फी खाते ही वहीं गिर पड़ती है। अरे इसे क्या हुआ, ये ठीक तो है। रज्जो रज्जो क्या हुआ तुझे? माँ जी मुँह पर पानी मारिए ना, क्या हो गया इन्हें, अभी तो अच्छी भली बैठी हुई कुल्फी खा रही थी। अरे चिंटू मुझे लगता है इनकी कुल्फी में कुछ गड़बड़ है, चल मुझे नहीं देना खरीद के ये कुल्फी। अरे ये क्या कह रही है आप, मेरी कुल्फी एकदम ताज़ा होती है और हम इसे अपने हाथों से बनाते हैं। अरे हम थोड़ी देखने जाते हैं कि आप कैसी कुल्फी बनाते और कैसे नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही चक्कर देख लीजिए। अब तो मैं क्या, कोई नहीं आएगा आपकी दुकान पर, बेचारी कुल्फी खाती बेहोश हो गई। आप दोनों सास बहू लोगों को पागल बना रही हो और कुछ नहीं। चंदा और जानकी ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा आदमी जानकी से कहता है, अरे बहन जी इस उम्र में कमजोरी से चक्कर तो आ ही जाता है, और इस एक इंसान के चक्कर में आप इनकी दुकान को क्यों बदनाम कर रही हो? अरे ये मेरी पड़ोसन है, इसे दौरे पड़ते हैं, मुझे अच्छे से पता है वही हुआ होगा, लेकिन आप लोग ना जाने क्या समझ रही हैं। अच्छा ये आपकी पड़ोसन है, तो फिर तो सच आपको ही पता होगा, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अगर मैंने गलत बोला हो तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो क्या है ना कि बच्चों के मामले में हमें सोचना ही पड़ता है, और मैं भी तो एक माँ ही हूँ, और बच्चे को बासी या खराब कुल्फी खिलाकर मुझे क्या ही मिलेगा। बहन जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको इतना कुछ कह दिया, चलिए एक कुल्फी दे ही दीजिए मेरे बच्चे को। माँ जी लो, रज्जो काकी को भी होश आ ही गया। ना जाने कैसे गिर पड़ी, अभी मेरा सर घूम रहा है। अरे आप तो वही है ना जो नींद की गोलियां खा रही थी वहाँ दवा की दुकान पर, बल्कि मैंने तो मना भी किया था आपको, इतना हैवी दवा मत खाओ। अब रज्जो क्यों चक्कर खाकर गिरी थी, उसकी सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी थी,
लेकिन रज्जू भी वहाँ से निकल जाना ही सही समझती है और उस दिन के बाद से जानकी भी रज्जू को अपने मटका कुल्फी की दुकान के पास भटकने तक नहीं देती है। सुमन बसंतपुर गांव में अपनी माँ शांति के साथ रहा करती थी। शांति की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। एक दिन वो काम पर जा रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी सुमन आकर उसे पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी मैं ठीक हूँ, बस कमजोरी की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया। जब कमजोरी है चक्कर आ रहा है तो फिर काम पर जाने की क्या जरूरत है? चलिए कमरे में चलिए और आराम कीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं बेटी मैं आराम नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? काम पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एक काम कर तू, मुझे थोड़ा नींबू पानी दे दे, मैं उसे पी लूं और थोड़ी सी ठीक हो जाऊं। माँ नींबू पानी तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप काम पर नहीं जाएंगी। ये कैसी जिद है तेरी, काम पर नहीं जाऊंगी तो सारा काम रुक जाएगा। कुछ नहीं रुकेगा, आप काम पर नहीं जाएंगी तो मतलब नहीं जाएंगी बस। सुमन अपनी माँ को कमरे में बिठाकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है जिसे पीकर शांति आराम से सो जाती है। जिसके बाद सुमन रसोई में जाकर अपने लिए पास्ता बनाने लगती है कि तभी उसके गांव का एक धीरू नाम का लड़का उसके पास आता है और बोलता है, दीदी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रही हो आप? धीरू तो यहाँ क्या कर रहा है, तुझे कोई काम नहीं है क्या? दीदी काम तो बहुत है लेकिन अभी मुझे भूख लगी है और माँ ने कुछ बनाया नहीं है तो सोचा आपके पास आके कुछ खा लूं। तेरी माँ कभी बनाती ही कहाँ है, रोज एक टाइम का खाना तो तू मेरे घर ही खाता है। दीदी आप मुझे ताने मार रही हो, अब मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे तू तो बुरा मान गया, अब आ गया है तो बैठ, मैं पास्ता बना रही हूँ, खा के जाइयो। नहीं दीदी पहले आप खिला देती हो बाद में ताना मारती हो, इसलिए अब मैं नहीं खाऊंगा। मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मजाक कर रही थी तुझसे, अब खा ले नाटक मत कर। सुमन धीरू को पास्ता खाने के लिए देती है जिसे खाकर वो उसकी बहुत तारीफ करता है और बोलता है, भाई मजा आया। दीदी कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो लेकिन आपके हाथों का पास्ता खाकर ना मजा आ जाता है, भूख तो पूरी की पूरी मिट जाती है और स्वाद भी पूरा मिलता है। अगर आप बुरा ना मानो ना तो क्या आप टिफिन में मुझे पास्ता पैक करके दे सकती हो? क्यों यहाँ खा रहा है वो कम है क्या जो अब मैं तुझे घर के लिए दूँ? मैं घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो रोज अलग अलग तरह का ना पास्ता खिलाता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है मुझे वो भी। और तो और दीदी वो तो कहता है कि उसका पास्ता ना सबसे अच्छा होता है। यही नहीं दीदी वो तो ये भी बोलता है कि गांव वाले क्या जाने पास्ता कैसे बनता है। अच्छा वो ऐसा बोलता है? हाँ दीदी इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे पास्ता दो और मैं आपका पास्ता ले जाके उसे खिलाऊंगा, फिर उसे बताऊंगा कि हमारे गांव में ना हमारी दीदी ना सबसे अच्छा पास्ता बनाती है और उसे पूछूंगा भी क्या उसने इतना अच्छा पास्ता कभी खाया है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे बड़े टिफिन में पास्ता पैक करके दूंगी, तो उसके साथ साथ और बच्चों को भी खिला दियो ताकि तेरा नाम हो जाए तेरे कॉलेज में। हाँ दीदी आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हो क्योंकि मुझे यकीन है आपसे अच्छा पास्ता ना यहाँ कोई नहीं बना सकता, बनाना तो छोड़ो किसी को तो नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है अब इतनी तारीफ भी मत कर, मैं दे देती हूँ तुझे पास्ता ले जाने के लिए। सुमन इतना कहकर एक बड़े से टिफिन में उसके लिए बहुत सारा पास्ता पैक करके उसे दे देती है। कुछ देर बाद धीरू टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त धीरज को सुमन के हाथों का बनाया हुआ पास्ता खिलाता है। यार ये पास्ता कितना टेस्टी है, इसका टेस्ट कुछ अलग ही है बाकी पास्ताओं से, तूने बनाया क्या ये पास्ता? नहीं भाई नहीं, ये पास्ता मैंने नहीं बनाया, ये पास्ता मेरी दीदी ने बनाया है, वो बहुत अच्छा पास्ता बनाती है, उनके जैसा ना पास्ता कोई नहीं बना सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गांव में कोई इतना अच्छा पास्ता ही बना सकता है, सच में मजा आ गया खाकर, वरना एक ही तरह का पास्ता खा खा कर बोर हो गया था मैं। भाई तेरा तो समझ में आता है लेकिन मेरा देख मैं तो रोज यही पास्ता खाता हूँ, अरे मेरी दीदी ना जब भी पास्ता बनाती है मुझे बुला लेती है। यार अगर जब भी तेरी दीदी पास्ता बनाए तो मुझे भी ले चलियो, तुरंत गर्मा गर्म पास्ता खाने का मजा ही अलग है। ठीक है भाई अब जब भी दीदी बनाएंगी ना अब मुझे बुलाएंगी तो मैं तुझे लेके चलूंगा। धीरू इतना कहकर बाकी बचे हुए पास्ते को और लोगों में बांट देता है। सभी को सुमन के हाथों का बनाया हुआ पास्ता काफी पसंद आता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। बीते दिनों के साथ धीरू आए दिन कोई ना कोई बहाना करके सुमन से पास्ता बनवाकर अपने कॉलेज ले जाता था और सभी को खिलाता था। धीरे धीरे सभी को उसके देसी पास्ते के टेस्ट की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने दोस्त धीरज के साथ घूमने सुमन के घर पहुंचता है और बोलता है, दीदी दीदी आज मेरा दोस्त भी आपके घर आया है, वो आपके हाथों का पास्ता खाना चाहता है, उसे आपका देसी पास्ता बहुत अच्छा लगा। धीरू आज मैं तुझे पास्ता बनाकर नहीं खिला सकती हूँ, आज माँ घर पर है, काम पर नहीं गई है,
ऐसे ही बाहर गई हैं कहीं, कभी भी आ सकती हैं। और अगर उन्होंने तुझे यहाँ इसके साथ देख लिया तो वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन दीदी, मेरा दोस्त बहुत दूर से आया है, अगर आप उसे पास्ता नहीं खिलाओगी तो वो मजाक बनाएगा मेरा। धीरू, तू तो मेरे घर की हालत जानता है, हमारा घर कैसे चलता है, कई बार हमारे खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। ऐसे में अगर माँ ने मुझे दूसरों को खिलाते देख लिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। दीदी, आप जितनी देर सोचोगी उतनी देर में बना के खिला भी दोगी। धीरू के कहने पर सुमन उसका दिल नहीं तोड़ती और उसके दोस्त के लिए पास्ता बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों को पास्ता बनाकर देती है और वो आराम से बैठकर खा रहे होते हैं कि तभी सुमन की माँ शांति वहाँ आती है और दोनों को पास्ता खाता देखकर बोलती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह बेटी, तू इतनी अंधी हो गई कि जहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं वहाँ तो दूसरों के पेट भरने में लगी हुई है। माँ आप चुप हो जाइए, खाते समय किसी को नहीं टोकना चाहिए, कौन सा ये लोग रोज आते हैं। ये झूठ उससे बोल जिसे कुछ पता ना हो, मुझे सब पता है इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं, आप अंदर तो आइए। मैं तो अंदर चली ही जाऊंगी, तू भिखारियों को खाना खिला और इन मेहमानों की क्या ही इज्जत करें जो हर रोज मेरे घर में बैठे रहते हैं। इनका दोस्त बेशक आज पहली बार आया हो, ये बंदर तो रोज ही आता रहता है, ठूसो सब, फ्री का ही मिल रहा है। शांति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीरज सुमन से बोलता है, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपके घर की ये हालत हो रखी है, वरना मैं कभी धीरू को आने के लिए नहीं बोलता। तुम मेरी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उनका दिल छोटा नहीं है, वो बस अपने घर के हालातों को देखकर परेशान है इसलिए इतना कुछ बोल दिया है, वरना वो किसी को खाने के लिए कभी ताना नहीं मारती है। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लगा, बस आपकी सोच पर अफसोस है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो। आपके जैसा पास्ता पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता, ऐसा पास्ता मिलना गांव में बहुत मुश्किल है, अगर आप इसका स्टॉल लगाकर बेचे तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी आपकी। ये क्या बोल रहे हो तुम, देखो इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दीदी, बल्कि आपको राय दे रहा हूँ कि आप कल से हमारे कॉलेज के आगे अपना देसी पास्ता का स्टॉल लगाकर देखो, आप खुद बोलोगी कि कितनी अच्छी राय दी है, इससे आप अपनी माँ की मदद भी कर पाओगी और आपके घर के हालात भी सुधर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं चला तो मेरी माँ मेरी जान ले लेंगी क्योंकि पैसे खराब हो जाएंगे। दीदी, आंटी तो वैसे भी आपको सुनाती रहती है, वो तो ये सोचती है ना कि आप किसी लायक नहीं हो, और ये मौका है दीदी आपके पास ये साबित करने का कि आप बहुत कामयाब हो सकती हो। धीरू सही कह रहा है दीदी, आपको एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, बाकी हम सब है ना वहाँ आपकी मदद करने के लिए। धीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन धीरज की बात सुमन के दिमाग में घूमती रहती है। कुछ दिन सोचने के बाद अपना खुद का एक देसी पास्ता स्टॉल धीरज और धीरू के कॉलेज के सामने खोलती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ सच में सुमन का देसी पास्ता स्टॉल अच्छे से चलने लगता है और उसके घर के हालात भी सुधर जाते हैं। अगस्त का महीना था, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जहाँ लोग बाहर बारिश में नहाने के मजे ले रहे थे तो वहीं कविता और उसकी बहू हॉल में बैठकर टीवी पर बरसो रे मेघा मेघा बरसो गाना सुन रहे थे। अचानक से टीवी का सिग्नल कट हो जाता है, तभी सोनिया बोलती है, शिट यार, इसको अब भी जाना था, सारा मूड किरकिरा कर दिया। सही बोल रही है तू, लगता है बाहर ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है। सोनिया गेट के पास जाती है और देखती है कि बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी। तभी वहाँ से एक पकौड़े वाला जा रहा था और सोनिया की नज़र उस पर पड़ती है और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी माँ जी, क्या देख लिया बाहर तूने जो इतना गला फाड़ रही है। देखिए ना माँ जी, बारिश में पकौड़े वाला आया है, चलो ना खाते हैं। हाँ जा ले आ, वैसे भी टीवी तो चल नहीं रहा है, एक काम कर जाकर पकौड़े ही ले आ। सोनिया बाहर से पकौड़े लाती है और दोनों सास बहू बैठकर बड़े चाव से पकौड़े खाते हैं। ऐसे ही रोज दोनों सास बहू शाम के वक्त में गाना सुनती थी और ऐसे ही दिन में बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी। सोनिया पकौड़े वाले का इंतजार कर रही थी कि सोनिया को बाहर देखता हुआ देखकर कविता कहती है, क्यों तू बाहर झांक रही है, इतनी बारिश में नहीं आएगा पकौड़े वाला। पर माँ जी बाहर देखिए ना, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, इस मौसम में तो चाय और एक प्लेट पकौड़े मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। ये तो तूने सही बात कर दी बहू, चल एक काम कर जाकर पकौड़े बना ले और साथ में चाय भी। ये क्या सोनिया,
तूने तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अब बना पकोड़े और खा। क्या सोचने लग गई तू, यहाँ खड़े खड़े तेरे पकोड़े नहीं तलेंगे, जाकर पकोड़े बना। जी माँ जी। इतना बोलकर सोनिया रसोई में चली जाती है और देखती है कि नल में पानी ही नहीं आ रहा। सोनिया खुद से बात करती हुई कहती है, चलो बढ़िया है पानी नहीं आ रहा, अब माँ जी बोलेंगी नहीं बहू छोड़ रहने दे मत बना, कभी और बना लियो। चलो बढ़िया है, पर ये बात माँ जी को बता देती हूँ वरना बोलेंगी कि नाटक कर रही है। सोनिया अपनी सास को आवाज लगाती है और कहती है, माँ जी नल में पानी नहीं आ रहा है, लगता है उन्होंने अभी तक पानी का बिल नहीं भरा है। कोई बात नहीं, जा पड़ोसन के घर से पानी ले ले। ये लो, जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आज तो ये बुढ़िया पकौड़े खाकर ही मानेगी, इतनी बारिश में कैसे जाऊं। सोनिया सोच ही रही थी कि बाहर कैसे जाऊं, तभी उसकी नजर रसोई की खिड़की पर पड़ती है और वो बोलती है, वाह सोनिया वाह, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, ये सही रहेगा, माँ जी को कौन सा पता चलना है कि ये कौन सा पानी है, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं है। इतना बोलकर सोनिया खिड़की के पास जाती है और एक कटोरे में बारिश का पानी भर लेती है और पकौड़ी बनाकर अपनी सास को खिलाती है, थोड़ा सा खुद भी खा लेती है। कविता पकौड़ी खाकर बोलती है, वाह बहू बारिश में तो क्या ही पकौड़े बनाए हैं तूने। बारिश में पकौड़े नहीं, बारिश के पकौड़े। क्या फुसफुसा रही है, खा ले पकौड़े वरना बोलेगी कि माँ जी ने खाने को नहीं दिए, खुद ही सारा खा गई। नहीं माँ जी मेरा बस हो गया, अब नहीं खाना है मुझे, क्योंकि मुझे ना अपनी डाइट भी तो देखनी होती है। ठीक है मत खा, मैं खा लेती हूँ। सोनिया के बारिश के पकौड़े तो कविता ने खा लिए, अब रात को उन पकौड़ों का असर होने लगा। रात को 8 बजे सारे अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सोनिया अपना काम खत्म करने में लग जाती है और उसके बाद सब सो जाते हैं। कविता तो अपने पति सुनील के साथ सो रही थी कि तभी कविता बात देती है और सुनील कहता है, ये क्या भाग्यवान, आज ज्यादा खा लिया क्या? चुप हो जाइए, कैसी बातें कर रहे हैं इस बुढ़ापे में। बात तो तुम रही हो, एक बार नहीं बल्कि बार बार। अरे अगर पेट खराब हो गया है तो फिर टॉयलेट चली जाओ ना। बुढ़ापा आ गया है, कभी कभी तो गैस बनेगी ही ना, चुपचाप सो जाइए। इतना बोलकर कविता और सुनील सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कविता की पड़ोसन आती है, दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। कविता की पड़ोसन के सामने कविता का पाद निकल जाता है और पड़ोसन हंसते हुए कहती है, कविता ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही है, कुछ तो लिहाज कर ले अपनी उम्र का। क्या लिहाज क्यों, ये तो नेचुरल है ना, इसको जितना रोकना चाहूँ नहीं रुकेगी। अरे तो दवाई ले ले, गैस ही है ठीक हो जाएगी। ना जाने क्यों कल से ऐसा ही हो रहा है, कल इसके ससुर भी कह रहे थे। क्या खाया था तूने जो पाद निकाल दे रही है। कल बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बहू ने पकौड़े बनाए थे, बस बहुत ही बढ़िया थे, बस मैंने सारे खा लिए। अकेले खाओगी तो यही होगा ना, मुझे नहीं खिलाएगी तो तेरा पाद तो निकलेगा ही। चल अब मैं चलती हूँ, तू बैठकर अकेले पकौड़े खा और पाती रह। पड़ोसन उसको चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन कविता बैठकर खाना खा रही थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है। वो पेट दर्द के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती और सोनिया को आवाज देती है, बहू ओ बहू जल्दी आ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी, अचानक से पेट में दर्द कैसे होने लगा। रुक जा, अभी पेट से पूछ लेती हूँ क्यों दर्द हो रहा है। ए पागल औरत, ये फालतू के सवाल मत पूछा कर और मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। जी माँ जी अभी यहाँ बैठो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। सोनिया कविता को सोफे पर बैठाकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है और सोनिया कविता को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर आते हैं और कविता का पेट चेक करते हैं और बताते हैं, क्या खाया है आपने, ऐसा लगता है कि बाहर का कुछ ज्यादा ही खाती है आप। नहीं डॉक्टर मैं तो बाहर का खाती भी नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता माँ जी, आपने बारिश में कुछ खाया था क्या। मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ एक दिन मैंने पकौड़े खाए थे जो मेरी बहू बाहर से लाई थी। नहीं माँ जी, आपने ऐसी चीज जरूर खाई है जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द शुरू हुआ है, आप एक बार अपनी बहू को बुला लीजिए। कविता अपनी बहू को आवाज लगाकर अंदर बुला लेती है और उसे बोलती है, बता दे बहू तू पकौड़े बाहर से ही लाई थी ना। नहीं माँ जी वो तो मैंने घर में ही बनाए थे, मैंने तो आपसे झूठ बोला कि ये बाहर से लाई हूँ। क्या डालकर बनाए थे जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैंने तो बस बारिश का पानी डाला था पकौड़ों में, क्योंकि घर के नल में पानी नहीं आ रहा था। देखा माँ जी, आपको बोल रहा था ना कि आपने तो कुछ गलत खाया है जिससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई देता हूँ, अब उसको टाइम पर खा लेना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कविता को दवाई लिखकर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कविता को सोनिया पर गुस्सा आता है और कविता सोनिया को गुस्से से घूरने लगती है। सोनिया के साथ वो घर चली आती है। कुछ दिन तक दवाई खाने के बाद कविता ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अचानक से कविता को खांसी होने लगती है, तो सोनिया कविता को कहती है, रहने दे तू, पिछली बार की तरह दोबारा बारिश का पानी पिला देती तो ना जाने क्या होगा, मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। माँ जी, पिछली बार नल में पानी नहीं था इसलिए मैंने आपको बारिश के पकौड़े खिला दिए थे, लेकिन अब ना तो बारिश हो रही है ना ही नल में पानी खत्म है, आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ। सोनिया कविता को पानी लाकर देती है और वहाँ से चली जाती है। कविता भी पानी पीकर टीवी देखने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।